हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएनएस लाव। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी तथा टेक्नीशियन और लोको पायलट की जो भर्ती फ़िलहाल 90,000 पदों के लिए चल रही है, जिसके ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं, उन्हीं के मद्देनज़र आज एक नया अपडेट आया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। इसमें 20% पद कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस एक्ट, यानी कि जो रेलवे के जो संस्थान हैं, यानी कि रेलवे अप्रेंटिस कराती है, और वो अप्रेंटिस जो जिन बंदों ने कर रखी है, जिन आवेदकों ने कर रखी है, उनके लिए जो रेलवे की जो 90,000 वैकेंसी हैं, उनमें से 20% पद उनके रिजर्व किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, जो ओपन कैटेगरी के बंदे थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है सबके लिहाज से, क्योंकि 90,000 के 20% पदों पर जो अप्रेंटिस जिनकी पूरी है, जिन्होंने रेलवे के साथ अप्रेंटिस कर रखी है, उनके लिए ये 20% पद निर्धारित किए गए हैं। और उसके साथ ही, यानी कि जैसे उन्होंने 2 साल का जैसे अप्रेंटिस किया हुआ है, तो उनको 2 साल की ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप एक प्रेस नोट भी देख सकते हैं कि क्या कुछ प्रेस नोट है। भारतीय रेलवे में वर्तमान में व्यापक स्तर पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं कानून का पालन करते हुए भारतीय रेलों ने नीति बनाई है, जो कि एक निष्पक्ष, आप यहाँ पे देख सकते हैं, निष्पक्ष भर्ती के लिए 20% पदों को एक्ट अप्रेंटिस के माध्यम से आरक्षित किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अधीन ये फैसला इंडियन रेलवे को लेना पड़ा है, रेल मंत्री को लेना पड़ा है। और यहाँ पर 20% पद, 90,000 में से 20% पद अप्रेंटिस किए हुए आवेदकों के लिए आरक्षित हैं। यानी कि अगर आप 90,000 का 20% निकालते हैं, तो लगभग 18,000 के लगभग पोस्टें ये एक्ट अप्रेंटिस जो किए हुए हैं, उनके लिए आरक्षित की गई। यहाँ पर ये प्रेस नोट रेल मंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आप देख सकते हैं कि 20% पद एक्ट अप्रेंटिस के, यानी कि जो ओपन कैटेगरी के आवेदक हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए मात्र 72,000 पद बचते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, 31 तारीख लास्ट डेट 31 मार्च 2018 तक आप रेलवे की इन दोनों भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बुरा निर्णय यहाँ पर, यानी कि 20% पदों को कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए आरक्षित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन। इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे थे पूरे देश में, और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये रेलवे का नया अपडेट, 20% पद आरक्षित हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस नोट। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेस नोट है आज ही का। तो दोस्तों, बहुत बुरी खबर, लेकिन फिर भी मैं सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप मनोबल को न तोड़ें और अपनी तैयारी पूरे होश हवास में पूरा मन लगा कर कीजिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।